वाह उत्तम, अति उत्तम। वाह अब बताओ पुत्र, भगवान कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम श्री कृष्ण परम ईश्वर है तथा सच्चिदानंद दयालु पुरुष गोविंद सर्व काम के कारण है। तेरी जीवा अभी विष्णु का नहीं है, तुम अवश्य उस विष्णु का भेजा गया कोई स्तंभ है जो मेरा पुत्र बनकर मुझे ही दस रहा है। जी महाराज, ये प्रहलाद, प्रहलाद ये मेरा पुत्र नहीं है, ये विष्णु का भेजा गया कोई माया अस्त्र है जो मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। इसका तत्क्षण वध कर दो और मेरे सम्मुख इसके मृत्यु का समाचार लेकर ही आना। क्यों? हाँ विष्णु विष्णु विष्णु। अमर्क, ये बालक का वध नहीं हुआ तो महाराज हमारा वध कर देंगे। इस बालक की मृत्यु अत्यंत आवश्यक है। इस बालक के कोमल शरीर को शस्त्रों से छली करवा देते हैं। हाँ शस्त्रों से इस शरीर को भेज देते हैं। कोमल शरीर वाला को शस्त्र छली कर दो। यदि इसका वध नहीं हुआ तो हमारा प्राण दंड निश्चित है। लेकिन अमर विष को विष ही काटता है। यदि इस बालक को तुरंत विषधारी सर्प से कसवाए तो हाँ दंड तुम नहीं रखते हो। हम प्रहलाद को मारने की पूरी कोशिश की परंतु
परंतु परंतु क्या अब ये मत कहना कि महाराज हम उस बालक का वध नहीं कर पाए। क्या कर पाए महाराज? हमने उसके शरीर को बाहर से भिजवाया। महाराज उसके उपरांत हमने दुर्लभ विशेष सर्प से कटवाया, उसे भोदय अम्ल देन में लाया। परंतु महाराज उस बालक का कुछ नहीं हुआ। कहा है कहा बदूर बालक लिया उसे? अरे उदन बुद्धे उस पर अस्त्रों का प्रहार किया गया जो बच गया, उसे भयंकर तेल में डाला गया, जलते तेल में डाला गया, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। भयंकर सर्पों से नसवाया गया फिर भी तू बच गया। तुझे मारने का कितनी बार प्रयास किया गया, तू हर बार बच कैसे जाता है? परंतु अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। भगवान विष्णु जानते पिताजी, वे सब कुछ जानते हैं। आप भी उनकी शरण ले लेंगे तो आपको विवश संकट से बचा लेंगे। वीर भाई विष्णु 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 यादव मत बचाओ इसे, यह असुर कुछ असुर को क्या नाश करने के लिए जन्मा है। ये तो केवल अपने पिता की मृत्यु करना चाहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। होता क्यों नहीं? देखा देखा क्या तू कि जब तक जीवित रहेगा तब तक अपने विषैली बातों का दंग मारता रहेगा, इसलिए इसका मरना अति आवश्यक है। मैं अपने ही हाथों से इसका नाश करूंगा। नहीं 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 आप एक बालक का वध कर रहे हैं, एक बालक का, वो भी एक तलवार से, एक निहत्ते बालक का, ये आपको शोभा नहीं देता दादाश्री। होलिका मेरी बहन, तू नहीं जानती ये मेरे शत्रु विष्णु का भेजा गया कोई सर्प है जो हर क्षण मुझे विष दे रहा है, विष दे रहा है मुझे। आप इस बालक का अंत ही करना चाहते हैं ना भ्राताश्री? हाँ। क्या मैं सही समझ रही हूँ? भ्राताश्री आखिर ये नहीं होलिका नहीं नहीं होलिका नहीं 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 होलिका नहीं। आप केवल चिता की तैयारी करें भ्राताश्री, चिता की। चिता कैसी चिता? अग्नि ने मुझे वरदान दिया है, चिता मुझे जला नहीं सकती। इस चलती में चिता मैं कूद जाऊंगी। Ha 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 ha!
महाराज वो होलिका। क्या होलिका? क्या होलिका? होलिका भी जलकर भस्म हो गई महाराज। क्या मेरी बहन होलिका जिसे वरदान था कि वो अग्नि से नहीं मरेगी वो मर गई। विष्णु 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 गाय वो मायावी बालक ले आओ मायावी बालक को। चलो चलो मायावी जाना। और मैं भली बात जानता हूं तू किस माया का प्रयोग कर रहा है पर तू भी इतना जान ले मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूं। तू अपने ऊपर शासन करने वाले की आज्ञा का उल्लंघन करना है। मुझे इतना साहस दिया किसने? बोल जाना चाह रहे हैं आपके बल पर ही है अतः हे पिताश्री आप अपनी प्रवृत्ति त्याग कर उनकी शरण ग्रहण कर लीजिए और वो है भगवान विष्णु। बस बहुत हो गया दैलाथ तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयत्न कर रहा है। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि तू मेरे हाथों मरना चाहता है। सर्वशक्तिमान अरे मूर्ख सर्वशक्तिमान पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही है और वो मैं हूं। मैं क्योंकि ना मैं घर के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर ना भूमि पर मरूंगा ना आकाश में ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से ना दिन में मरूंगा ना रात में ना मनुष्य से ना पशु से ना देवता से ना असुर से क्योंकि मैं मृत्यु पर विजेता हूँ। मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। हाँ हाँ मृत्यु पर। परंतु पिताश्री जो इस संसार में जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त करता है किंतु केवल भगवान विष्णु का जन्म है जन्म और मृत्यु दोनों से ही पर है जो हमारे हृदय में से है वही विष्णु वही सारे जगत के ऊपर है। इस संसार में भगवान को छोड़कर कोई किसी को कुछ नहीं सिखाने का पिताश्री। ये भुवनेश्वर के होते हुए तू बार बार किस विष्णु का वर्णन कर रहा है? जिससे यह जगत प्रकट हुआ है पिताश्री हमें केवल उन्हीं परमेश्वर भगवान विष्णु के स्मरण और भजन करना चाहिए क्योंकि वही एकमात्र सभी काम के कारण है।